my channel Eureka Math 1 in my course of Vedic Mathematics. Today I'm gonna teach you Yabhidhunam Sutra for finding the cubes. Okay, I actually told you about this formula in last lecture, and I told you that this formula can be used for finding squares as well as cubes. And in the last lecture I told you how to find squares by using this formula, and in this lecture I'm gonna teach you how to use this formula for finding out cubes of some numbers. Okay, I'm Shubham Srivastav, corporate trainer with Sagar Group of Institutions, Bhopal, educator at An Academy, and a certified Vedic Math trainer. So let's start today's lecture. Yabhidhunam Sutra, Yabhidhunam formula for finding out square of numbers. Okay, square of numbers which are near to its base. Okay, so सबसे पहले हम देखेंगे कि हम लोग यहाँ पे क्यूब्स निकालने वाले हैं. लेट्स से एक एग्जांपल ले लेते हैं. आपके सामने एक नंबर है 103, आपको इसका क्यूब करना है, तो आप इसका बेस निकालोगे. बेस के साथ साथ यहाँ आपको क्या करना होता है कि आपको डिस्टेंस भी यहाँ पे निकालना होता है. चलिए देख लेते हैं. जैसे बेस आपने निकाला 100 और डिफरेंस आपने निकाला +3, तो इसके अलावा एक और चीज आपको निकालनी होती है. मान लो इसको मैं बी बोल दूं, इसको मैं डी बोल दूं, तो यहाँ आपको एक और चीज निकालनी होती है जिसको मैं बोलता हूँ 3d. थ्री टाइम्स ऑफ आर डिफरेंस जो हमारा डिफरेंस है उसका 3 times कर देते हैं. लाइक यहाँ पे 3 अगर आपका डिफरेंस था तो इसका 3 times हो गया और 9. तो अब हम लोग क्या करेंगे, इसके बाद अगला स्टेप क्या होगा, जैसे हम लोग स्क्वायर निकालने के लिए 2 parts में एक नंबर को डिवाइड करते थे, सिमिलरली यहाँ हम लोग क्यूब निकालने के लिए एक नंबर को 3 parts में अपने आंसर्स को डिवाइड करेंगे. ठीक है, तो लेफ्ट पार्ट, राइट पार्ट और मिडिल पार्ट. इसमें मिडिल पार्ट भी आपका रहेगा, बीच वाला पार्ट भी एक रहेगा. ओके, सो चलिए देखते हैं हम यहाँ पे हम लोग कैसे इनके ऑपरेशंस को करना है. यहाँ पे जो लेफ्ट पार्ट रहेगा वहां आप क्या करते हो, बेस प्लस 3d. आपने बेस निकाला है, d यानी कि डिफरेंस निकाला है, और डिफरेंस का 3 times निकाला है जिसको मैंने 3d बोला. तो लेफ्ट पार्ट को आप निकालते हो बेस प्लस 3d. अगर माइनस वाला डिफरेंस होता तो आप उसको निकालते बेस माइनस 3d. तो हम लोग बोल सकते हैं कि लेफ्ट यानी कि फर्स्ट पार्ट जो हम लोग निकालते हैं, फर्स्ट पार्ट में हम लोग कैलकुलेट करते हैं b+-3d. इसको मैं आपके लिए लिख देता हूँ. फर्स्ट पार्ट में इसको मैं लिख देता हूँ, ये आपके सामने रहेगा बेस प्लस माइनस 3d. क्लियर है? चलिए ये चीज होगी. अब जब ये चीज होगी तो इसको ऐड करने के बाद आपका लेफ्ट पार्ट आएगा 109, और इसको मैंने लिखा बेस प्लस 3d. अगर माइनस वाला डिफरेंस होता तो हम लिखते बेस माइनस 3d. ओके, सो नाउ अब हम लोग आते हैं बीच वाले पार्ट पे, सेकंड पार्ट पे. तो सेकंड पार्ट में हम लोग क्या करेंगे, b × 3d. ये जो 2 difference है, इन दोनों difference का मल्टीप्लाई कर देंगे. तो इसको मैं क्या लिख सकता हूँ, इसको देखो जरा, इसको मैं लिख सकता हूँ, एक चीज आपके पास है d और दूसरी चीज आपके सामने है 3d. तो आप इसको d × 3d लिख सकते हो, या आप 3d² भी इसको लिख सकते हो, कोई इशू नहीं है, दोनों चीजें करी जा सकती है. छोटा नंबर अगर है, अगेन अगर छोटा नंबर है, जैसे 3 का 9 में मल्टीप्लाई करना 27 इजी था, आपने d × 3d करा. 4 का 12 में मल्टीप्लाई करना इजी है, ये कितना हो जाएगा 48. लेकिन अगर आपके सामने लिखा है 21 और 63, तो इससे बेटर क्या है, 3d² निकाल दो. इसका स्क्वायर कर दो, क्या आ जाएगा 441, उसको 3 से मल्टीप्लाई कर दो, ये कितना आ जाएगा 1200 120, और 3 इसको ऐड कर दो, ये कितना आ जाएगा 2 3 ये 3 1 1 3 3 और 2 3. तो इस तरह से आपको करना है इसको. ठीक है, आई होप आप समझ गए होंगे. इसको रब करते हैं. चलो, तो 3 × 9 कितना आ जाएगा 27. यहाँ हमने क्या करा, 3d × d या 3d². ओके, तो ये अपना मिडिल पार्ट भी आ गया. राइट पार्ट निकालने के लिए क्या करते हैं हम लोग, d³. जो भी आपका ओरिजिनल बेस है, डी जो है, आप उसका क्यूब कर दो. ओरिजिनल बेस और फंक्शनल बेस कहने से बेटर है, मैंने इसको बोल दिया d और 3d. तो डी का क्यूब करना है यहाँ पे, 3d से जो करना था वो हम कर चुके हैं. तो डी का क्यूब जब हम करेंगे 3³, तो फिर से आ जाएगा 27, ये हो गया d³. अब आपको एक चीज और याद रखनी है, इसको आपको याद रखना है क्या, वहां अपन देखते थे राइट पार्ट में, राइट पार्ट में अपन चेक करते थे डिजिट उतने होने चाहिए जितने अपने बेस में 0 है. लेकिन यहाँ राइट के अलावा मिडिल पार्ट में भी आपको चेक करने पड़ेंगे, उतने ही डिजिट होने चाहिए जितने आपके बेस में 0 है.
तो क्योंकि 27 27 दोनों सेम नंबर है, दो दो डिजिट है और आपके 100 में भी दो जीरो है, तो आप क्या करोगे यहाँ पे इन्हीं को अपना आंसर, यही आपका करेक्ट आंसर है। तो ये जो आपके सामने लिखा हुआ है, ये जो आपके सामने लिखा है 109 2727, इट इज योर करेक्ट आंसर, यही आपका करेक्ट आंसर है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 93 का आपको क्यूब करना है, दूसरा केस। इसमें -7 आपका डी है, तो 3d क्या हो जाएगा, माइनस का 20। ओके चलिए, आपने ये चीज कर ली। जब आप ये करोगे, अगेन आप इसको तीन पार्ट में डिवाइड करोगे, और जब आप तीन पार्ट में डिवाइड करोगे तो आपको एक चीज क्या करनी है, पहले वाले पार्ट में हमेशा क्या करना है, बेस माइनस 3d। I actually said that you have to perform the operation base plus minus 3d. So when the difference is positive, you can perform b plus 3d. And when base the difference is negative, you can perform b minus 3d. Okay. So here, as the difference is negative, we can perform base minus 3d. That means 100 minus 21, which gives us 79. Okay. चलो बीच वाले पार्ट में आप क्या करोगे, d मल्टीप्लाइड बाय 3d, सो d इज -7, 3d इज -21, एंड व्हेन वी मल्टीप्लाई बोथ दीज नंबर्स वी विल गेट 147, इट इज अ मिडिल पार्ट। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट राइट पार्ट। सो डिफरेंस क्यूब, d क्यूब, सो -7 का आपको यहां पे क्यूब करना पड़ेगा और आपका आंसर आएगा -343। अब समझने वाली बात क्या है कि आपका यहाँ पे आ गया माइनस, आप क्या करोगे, आप फंस सकते थे, लेकिन आप मुझे बोलोगे कि सर क्योंकि हमने निकलम पढ़ी है, तो वैदिक मैथ्स में एक चीज होती है कि अगर यहाँ नेगेटिव आ जाता है तो अगले वाले टर्म में से माइनस वन हो जाता है, आपने पढ़ रखा है, कोई बहुत बड़ी चीज नहीं है, इस कॉन्सेप्ट को हम लोग लगाएंगे। दूसरी यहाँ पे एक और प्रॉब्लम क्या आ गई, दूसरी प्रॉब्लम ये आ गई कि यहाँ पे आपको दो डिजिट चाहिए थे, यहाँ भी दो डिजिट चाहिए थे, लेकिन तीन तीन आ गए। और प्रॉब्लम क्या है कि यहाँ तो पॉजिटिव नंबर है तो ये तो आप प्लस वन कर दोगे, यहाँ नेगेटिव है तो क्या करोगे। मान लो कुछ लोग कहेंगे कि सर इस -3 को हम यहाँ लेके चले जाएंगे, तो एक और डाउट कि यहाँ जो 43 बचेगा वो 43 बचेगा या -43 बचेगा, समझ पा रहे हो। तो सबसे बड़ी चीज कि दो दो डिजिट चाहिए थे, यानी एक पावर तो जाएगी, ठीक है कोई दिक्कत नहीं। इसका सॉल्यूशन है, मैं आपको बताता हूँ वैदिक मैथ्स में इसका क्या सॉल्यूशन है, कैसे करते हैं इस टाइप के क्वेश्चंस को। देखो अब क्योंकि यहाँ पे ये नेगेटिव 343 है, तो राइट पार्ट अगर नेगेटिव होता है तो उसके जस्ट लेफ्ट वाले पार्ट में से वन तो माइनस इस बात पे हो जाता है कि वहां पे, इस बात पे हो जाता है कि वहां पे नेगेटिव साइन था, तो आपने माइनस भी करा। इसके अलावा 343 आपके तीन डिजिट है, आपको दो डिजिट चाहिए थे यहाँ पे, तो एक्स्ट्रा जो -3 है वो कैरी ओवर चला जाएगा, कैरी फॉरवर्ड हो जाएगा। मुझे पता है कि आपने सिर्फ और सिर्फ अभी तक पॉजिटिव कैरी ओवर्स करे हैं, लेकिन वैदिक मैथ्स में आपको नेगेटिव कैरी ओवर भी करना पड़ेगा, नेगेटिव कैरी ओवर भी होता है, तो ये -3 भी यहाँ पे कैरी ओवर हो जाएगा और ये -3 यहाँ पे आ जाएगा। क्लियर है। तो आपने 1- करा, किस लिए 1- करा, क्योंकि राइट पार्ट में एक नेगेटिव साइन था, और -3 आपने क्यों माइनस करा, क्योंकि 343 में तीन डिजिट थे, आपको दो डिजिट चाहिए थे, तो एक्स्ट्रा वाला आपने कैरी ओवर कर दिया। चलो अब बात करते हैं कि राइट साइड में बचा +43 या -4। तो भाई ये -43 क्यों, -43 आप इसको ऐसे याद रखो, मैंने इसका ये सॉल्यूशन निकाला है इसको एक्सप्लेन करने के लिए। आप ऐसे याद रखो कि अगर यहाँ होता 343 आपको, सॉरी 343 आपको दो डिजिट चाहिए थे, तो यहाँ पे 3 जाता था और ये ऐड होता था क्योंकि ये प्लस साइन है, ठीक है। और जब ये प्लस साइन इधर जाता था तो ये 43 भी प्लस साइन छोड़ के जाता था, तो अगर -343 है और -3 आगे जा रहा है तो ये भी अपना माइनस साइन यहाँ पे छोड़ के जाएगा। इसको आप ऐसे याद रखो, जो साइन होता है कैरी ओवर का वही आपका साइन छोड़ के भी जाता है। तो ये क्या हो जाएगा, इसको अगर अपन लोग यहाँ पे देखें, ये क्या हो जाएगा, मिडिल पार्ट जो है 147 में से आपने 1 को माइनस करा और 3 को माइनस करा तो आ गया 143, ठीक है। और राइट पार्ट जो है, अब आपको पता है, आपको ये पता है कि नेगेटिव जब पार्ट बचता है तो आप उसको क्या करते हो, बेस में से माइनस कर दो, तो बेस 100 -43 57। अब आप सोच के देखो, राइट पार्ट भी आ गया, मिडिल पार्ट में अब एक प्रॉब्लम है कि तीन डिजिट आ रहे हैं लेकिन आपको चाहिए दो डिजिट, तो जो 1 है उसको आप कैरी ओवर कर दोगे, कैरी फॉरवर्ड कर दोगे आगे, तो ये आ जाएगा 79 में 1 ऐड होगा तो 80 आ जाएगा, और बीच वाला पार्ट जो है वो 43 बचेगा, तो आपका जो पार्ट आ जाएगा, अब आप खुद सोच के देखो आपका लेफ्ट पार्ट 80 आ गया, बीच वाला पार्ट जो है वो 43 आ गया, और ये वाला पार्ट आ गया 57। ये आपका करेक्ट आंसर है,
ठीक है, आई होप आप समझ रहे हैं, मैं कुछ एग्जाम्पल कराऊंगा आपको और समझ में आ जाएगा। ये जो है ये आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर है, 804357 इज योर करेक्ट आंसर। सबसे पहले कुछ क्वेश्चन हम लोग प्रैक्टिस करेंगे, सबसे पहले आपके सामने दे रखा हो, अब आप इसको जल्दी जल्दी करने का सॉल्व करने का ट्राई करो। एक मिनट, चलो सबसे पहले आपको क्या दे रखा है यहाँ पे, सबसे पहले दे रखा है 105Q, आपका बेस है कितना 100 प्लस 5 डिफरेंस, और 3D कितना हो जाएगा 15। तो पहले पार्ट में क्या आएगा, बेस प्लस 3D कितना हो जाएगा 115। बीच वाले पार्ट में क्या आता है, D इंटू 3D, तो 15 5 जा कितना हो जाता है 75। और थर्ड पार्ट में क्या आता है, डिफरेंस क्यूब यानी कि 125। आप देखो आपके 100 में 2 0 है, यहाँ 2 डिजिट होने चाहिए थे, इस वन को आगे कैरी ओवर कर दो, ये क्या हो गया 46 76, ये है 25 और ये यहाँ पे है 115, ये आपका करेक्ट आंसर है 115 76 25। क्लियर है, ये आपको पहले खुद से करना है, पॉज करो अब, बाकी अगर अभी आपने नहीं करा था तो पॉज करो, सॉल्व करो, उसके बाद मेरे क्वेश्चन के आंसर देखो, मैं एक्सप्लेनेशन दे रहा हूँ। अगले वाले में अगर देखेंगे तो क्या लिखा है, 1012 क्यूब, ठीक है, 1000 आपको समझ में आ रहा होगा बेस है, प्लस 12 डिफरेंस है, 3D कितना आ जाएगा 36, तो लेफ्ट पार्ट क्या बनेगा 1036, क्योंकि आप बेस में 36 को ऐड करोगे, बीच वाले पार्ट में इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन। अब देखो कोई बात आ गई, 3D इंटू डी या 3D स्क्वायर, तो यहाँ 3D स्क्वायर इजी है क्योंकि 12 का स्क्वायर 144, और 144 में आप 3 से मल्टीप्लाई करोगे तो 14 3 होता है 420, तो 120 का 3 टाइम्स आ जाएगा 420, और 4 का 3 टाइम्स आ जाएगा कितना 144 का, आपको यहाँ करता हूँ 144 का 3 टाइम्स आपको करना है, तो मैंने इसको ले लिया 140 का कितना हो जाएगा 420, और इस 4 का कितना हो जाएगा 12, तो ये आपका आंसर हो जाएगा 432। तो बीच का टर्म जो आया वो कितना आ गया 432, और राइट वाला टर्म क्या आएगा 12 का क्यूब, 12 का क्यूब आपको याद होना चाहिए, ये होता है 1728, कम से कम 1 से लेकर 12 तक के तो याद करो। यहाँ क्या लिखा है 1000 जिसमें 3 0 है, तो यहाँ भी 3 डिजिट चाहिए थे, यहाँ भी 3 डिजिट चाहिए थे, यहाँ तो आपको देखो यहाँ तो 3 मिल गए लेकिन यहाँ 4 मिले, तो इसको 1 को आगे कैरी ओवर कर दो, ये कितना आ जाएगा 433, ये आ जाएगा 728, और ये यहाँ पे है 1036, इट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके चलो नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन आपके सामने दे रखा है 109 क्यूब, अगेन आपका 100 बेस है, 9 डिफरेंस, और 3D कितना हो जाएगा 27, तो बेस प्लस 3D यानी कि ये कितना हो जाएगा लेफ्ट बार 127, बीच वाले पार्ट में आप इन दोनों का क्या करोगे मल्टीप्लाई, तो इससे बेटर क्या है आप 3D स्क्वायर कर दो, तो 3 इंटू 9 स्क्वायर कर दो, ये कितना आ जाएगा 3 इंटू 81, ये कितना आ जाएगा आपके सामने 423। थर्ड पार्ट क्या होगा, 9 का क्यूब करोगे तो आ जाएगा 729, आपको पता है 100 में 2 0, तो यहाँ 2 डिजिट चाहिए, तो 7 को आगे लेके जाओ, ये कितना हो जाएगा 250, यहाँ भी 2 डिजिट चाहिए थे, तो इस 2 को भी आगे लेके जाओ, एक मिनट 2 को भी आगे लेके जाओ, ये कितना हो जाएगा आपका 129, यहाँ क्या बचेगा 50 और यहाँ क्या बचेगा 29, तो 129 50 29 इज योर करेक्ट आंसर। चलो हम बात करते हैं 10007 क्यूब, यहाँ आप देखो 1000 10000 आपका बेस है, प्लस 7 डिफरेंस, तो 3D कितना हो जाएगा 21, तो लेफ्ट पार्ट क्या होगा 10021, बीच वाला पार्ट आपका कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा 147, और थर्ड पार्ट आपका कितना हो जाएगा, थर्ड पार्ट जो होगा वो आएगा 7 का क्यूब यानी कि 343। ठीक है, तो यहाँ देखने वाली बात क्या थी कि आपका जो राइट मोस्ट पार्ट है ये वाला, यहाँ 3 डिजिट आए, बीच वाले पार्ट में भी 3 डिजिट आए, लेकिन आपके बेस में जो थे वो 4 0 थे, यानी आपके 4 डिजिट आने चाहिए थे, तो अब की बार कम डिजिट आए, तो हम क्या करेंगे एक एक जीरो लगाएंगे और इसको, एक मिनट, इसको आंसर कर देंगे। ठीक है, तो ये जो है ये आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा 10021 0147, एक मिनट में लिख ही देता हूँ पूरा, 10021 0147 0343। अब आप सोच के देखो कि इतना बड़ा क्वेश्चन था और आपने इतने इजीली इसको सॉल्व कर लिया क्योंकि आपको वैदिक मैथ्स आती थी, लेकिन अगर आप सेम क्वेश्चन किसी आम इंसान को दे दो तो वो बंदा घबरा जाएगा। अगर आपको किसी के कभी मजे लेने हो तो आप ये क्वेश्चन उसको दे दो, आप अपने मन से लगा के दे दो, ठीक है, आप उसको बोलो कि भैया तुम्हारी मैथ्स जो है ना बहुत अच्छी है तो इसको सॉल्व करके दिखा दो, वो नहीं कर पाएगा,
लेकिन आप कर लोगे, आपको जीरो गिनने हैं, 3 0 3 0 6 और 3 ये यहाँ पे 9, यानी कि 1 के बाद में 9 0 आपको लगाने हैं, 1 मिलियन इसका बेस है, ठीक है, प्लस 9 इसका डिफरेंस यानी कि डी है, और 27 क्या हो जाएगा 3D, तो इसका फर्स्ट पार्ट क्या बनेगा, 1 2 3 4 5 6 और 7 8 9, तो ये हो गया ये आपका फर्स्ट पार्ट। बीच वाला पार्ट क्या होगा, 9 × 27 अपन जब कर रहे थे यानी कि 3 × 81 कर सकते हैं इसको, तो 243 आता है, तो आपका जो बीच वाला पार्ट है वो कितना हो जाएगा 243, और लास्ट वाला पार्ट होगा 9 का स्क्वायर सॉरी क्यूब तो 729, लेकिन आपके बेस में है 9 0, तो आपको बीच के डिजिट को 9 बनाना है, तो आप 6 0 लगा दोगे यहाँ पे, और आप 6 0 लगा दोगे यहाँ पे। आप सोच के देखो ये इतना बड़ा यहाँ से लेके जो यहाँ तक है, ये जो यहाँ तक है ये पूरा का पूरा आपका करेक्ट आंसर है, और ये आप कर सकते हो बड़े इजीली, लेकिन और लोग नहीं कर सकते क्योंकि आपको वैदिक मैथ्स आती है, उनको नहीं आती, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं, इसके बाद नेक्स्ट टाइप हम लोग डिस्कस करते हैं, लाइक आपको करना है यहाँ पे 93 का क्यूब, आपको करना है 93 का क्यूब, तो यहाँ पे क्या है आपका बेस कितना है 100, डिफरेंस कितना है -7, 3D कितना हो जाएगा -21, तो जो आपका पहला पार्ट आएगा वो क्या आएगा 100 - 21, इट विल बी 79, मिडिल पार्ट विल बी 7 × 21, इट गिव्स अस 147, एंड द थर्ड पार्ट विल बी विल गिव अस -7³, इट विल बी -343। एक्चुअली हम शायद डिस्कस कर चुके हैं सेम क्वेश्चन, हाँ तो कोई दिक्कत नहीं, ये तो अपन डिस्कस कर ही चुके हैं, ठीक है। ये नेगेटिव है तो यहाँ से एक तो इसका माइनस होगा, और ये दो डिजिट चाहिए तो एक और आ जाएगा, यहाँ ये आ जाएगा 143, ये बचेगा -43, इसको माइनस कर दो अपने बेस में से, तो ये हो जाएगा आपका 57, ये हो जाएगा आपका 43, और 1 इधर आ जाएगा तो ये हो जाएगा 8 लाख। सो वी कैन से 804357 इज आवर करेक्ट आंसर। नाउ लेट्स टॉक अबाउट 991। अब हम लोग करेंगे 991 का क्यूब, वन का क्यूब। अब यहाँ आपको समझने वाली चीज क्या है कि 1000 आपका बेस है, -9 डिफरेंस है, तो 3D कितना हो जाएगा -27, तो फर्स्ट टर्म आपका क्या आएगा 1000 - 27, तो 1000 में से 27 जाएगा तो आ जाएगा 979। क्लियर है ये चीज, एक मिनट इसको दोबारा से करते हैं। 991 क्यूब आपको करना है, ये आपका हो गया 1000, -9 बेस सॉरी डिफरेंस हो गया, 3D हो जाएगा आपका माइनस का 27, तो जब आप माइनस का 27 इसमें से करोगे तो ये आपका आ जाएगा 973, ठीक है। जो आपका बीच वाला पार्ट आएगा वो क्या आएगा 9 × 27, इसका क्या मतलब है 9 × 27, आप 3D² या तो D × 3D कर लो या 3D² कर लो, तो बी कितना है -9, तो इसका स्क्वायर 81 होगा, ये कितना आ जाएगा आपका बीच वाला टर्म 243, एंड द लास्ट टर्म विल बी -9³, विच मींस -729। अब आप खुद सोच के देखो, -9 अगर यहाँ पे लगा है तो एक नंबर तो एक यूनिट तो यहाँ से वैसे नेगेटिव होगी, और यहाँ तीन डिजिट है और आपको तीन ही डिजिट चाहिए थे, इसका मतलब है कोई कैरी ओवर नहीं होगा, तो आप इसी को 1000 में से माइनस करके लिख दोगे। अब यहाँ निकलम लगाओ, निकिलम में मैंने आपको क्या बताया था, सबको 9 में से यानी 7 को, अब देखो ये बेस है ना, बेस में से ही तो माइनस कर रहा हो, तो 7 को 9 में से माइनस करोगे तो आएगा 2, 2 को करोगे तो आएगा 7, और लास्ट वाले को किससे करना अपन 10 से, तो 10 में से 9 जाएगा तो आएगा 1, और यहाँ सिर्फ एक ही यूनिट माइनस होगी 242, ये भी देखो तीन डिजिट आ गए, तो अपना आंसर हो जाएगा 973 242 271, इट विल बी योर करेक्ट आंसर। ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट अनदर क्वेश्चन 988 982, the base is 1000, difference is -12, and PD will be -36, so left part will be 1000 minus 36, so it will be 964, the middle part will be D into 3D कर दो या फिर 3D square करो तो ये कितना आ जाएगा 3 × 144, ये अभी कितना आया था आपका 432, ये अपन कर चुके हैं इसलिए मैंने डायरेक्ट लिख दिया, and the third part, last part will be -12³, which will be -1728. अब आपको यहाँ पे मैंने पहले बताया ये negative अगर है तो negative sign की वजह से 1 negative आएगा, और आपको यहाँ तीन digit चाहिए तो यहाँ पे ये जो एक extra 1 है -1,
ये भी यहाँ आएगा, तो बीच का पार्ट हो जाएगा 430, यहाँ क्या बचेगा माइनस का 728, जिसको आप 100 वो सॉरी 1000 में से माइनस करके लिखोगे ये आ जाएगा 272. ओके सो योर करेक्ट आंसर विल बी 964 430 272. ये क्यों करा हम लोग ने, क्योंकि मिडिल टर्म और लास्ट टर्म में आपको तीन डिजिट चाहिए, क्योंकि आपके बेस में तीन जीरोस है. ओके आई होप आपको अब समझ में आ गया होगा. नाउ लेट्स टॉक अबाउट नेक्स्ट क्वेश्चन. इट इज 88 क्यूब. सो नाउ वी हैव टू फाइंड द क्यूब ऑफ 88. हियर द बेस इज 100, डिफरेंस इज -12. ओके एंड 3D विल बी -36. ओके ऑलमोस्ट सिमिलर है, तो आपकी वैल्यू सेम ही रहेंगी. आप यहाँ करोगे 100 माइनस आप 36 करोगे तो ये आ जाएगा 64. मिडिल टर्म में आपका फिर से अभी आपको पता है 432 आया था, एंड ये वाला टर्म आपका आया था माइनस का 1728. आपको पता है आपको यहाँ चाहिए थे दो डिजिट, और एक यहाँ है नेगेटिव, तो एक तो नेगेटिव वैसे ही होगा इसकी वजह से, और आपको चाहिए सिर्फ और सिर्फ दो डिजिट, तो बाकी के दो डिजिट आगे कैरी फॉरवर्ड चले जाएंगे. क्लियर है तीसरी चीज? आपको सिर्फ दो डिजिट चाहिए, क्योंकि 100 में तो दो ही जीरो है, तो आप 28 को यहाँ पे रख लोगे, जो कि माइनस का 28 होगा, इसको आप फिर 100 में से माइनस कर दोगे, तो ये कितना हो जाएगा 72. ठीक है, यहाँ पे आपको इसमें से 18 माइनस करना है, तो अगर आप 20 माइनस कर दोगे तो 412 आएगा, और 18 अगर करोगे तो 414 आ जाएगा. क्लियर है? ठीक है, अब अगेन आपको मिडिल पार्ट में भी दो ही डिजिट चाहिए थे, तो ये जो 4 है ये इधर चला जाएगा, ये वाला 4 इधर चला गया, तो ये हो गया 68. तो ये क्या हो जाएगा आपके सामने 681472, इट विल बी योर करेक्ट आंसर. ओके नाउ लेट्स टॉक अबाउट सम अनदर एग्जांपल्स. यहाँ हम लोग बात करते हैं, जैसे कि मैंने आपको निकिलम में सिखाया, जैसे कि मैंने आपको स्क्वायर वाले पार्ट में सिखाया, जब हम लोग फंक्शनल बेसिस को यूज करते हैं. तो अब आपके सामने एक क्वेश्चन है, आपको फाइंड आउट करना है 193 का क्यूब. तो यहाँ क्या आ गया 200 जो है, 200 आपका यहाँ पे क्या है, 200 आपका बेस है. देखो इसका मैं आपको एक क्वेश्चन करा रहा हूँ, तीन क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, आपको खुद से सॉल्व करना है, और अगर आपको कोई डाउट आता है तो मैं यहाँ बैठा हूँ, मैं आपको बताऊंगा, आप मेरे से डायरेक्ट क्वेश्चन कर सकते हो, डायरेक्ट कॉन्टेक्ट कर सकते करके पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है. लेकिन ये तीन क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, ये तीन क्वेश्चन आपको घर से ही करने हैं. एक क्वेश्चन मैं आपको यहाँ पे बता रहा हूँ, तो 200 यहाँ पे लिखा हुआ है, इट मीन्स ये हम लोग कर लेंगे 2 × 100. क्लियर है किसी चीज? यानी मल्टीप्लायर क्या हो गया यहाँ पे 2, एम बोल दो या एन बोल दो, जो भी आपको सुटेबल लगे, तो ये हो गया. यहाँ पे डिफरेंस कितना है -7, तो 3D कितना हो जाएगा -21. क्लियर, तीन पार्ट आप बनाओगे. पहले पार्ट में क्या आ जाएगा, फंक्शनल बेस -21, तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने 179. क्लियर फर्स्ट पार्ट. बीच वाला पार्ट क्या आ जाएगा 7 इन एक सेकेंड, क्या हो गया इसको, बीच वाला जो पार्ट है यहाँ पे, बीच वाला पार्ट आपका क्या हो जाएगा 7 × 21, तो ये हो जाएगा 147. एंड थर्ड पार्ट विल बी -7³, ये हो जाएगा माइनस का 343. ठीक है, बहुत बढ़िया. अब आपको करना क्या है, देखो फंक्शनल बेस होता था तो आप लेफ्ट पार्ट में क्या करते थे, आप करते थे मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई, यानी कि मैं इन शॉर्ट आपको बोलूँ, आप राइट पार्ट में जहाँ स्क्वायर करते थे या यहाँ क्यूब कर रहे हो, इससे आपको नहीं बोलना है, इसके बाद वाला जो नंबर होता है उसमें आपको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है. तो इसको याद रखो कि इसके जस्ट बगल में जो नंबर होता है, जस्ट बगल में जो आपका पोर्शन होता है, जैसे ये वाला पार्ट है, तो यहाँ आप मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करोगे तो आप 2 से मल्टीप्लाई करोगे, और इसके जस्ट बगल वाला जो पार्ट है इसमें आपको 2 स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, मल्टीप्लायर स्क्वायर. तो सबसे पहली चीज, राइट मोस्ट पार्ट में आपको कुछ नहीं करना, उसके जस्ट लेफ्ट में जो पार्ट है उसमें आपको मल्टीप्लायर से मल्टीप्लाई करना है, और उसके भी लेफ्ट में जो पार्ट है आपको उसमें मल्टीप्लायर के स्क्वायर से मल्टीप्लाई करना है. बस ये एक एक्स्ट्रा चीज यहाँ पे आपको देखने को मिलेगी. तो ये जो आंसर है ये कितना आएगा, 179, इसको आपको 4 से मल्टीप्लाई करना था, तो ये कितना आ जाएगा आपके सामने, इसको आप ऐसे कर लो कि 180 को अगर आप 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 720, और इसमें से 4 को माइनस कर दो तो 760. ये आ गया आपका फर्स्ट पार्ट, 716 इज योर फर्स्ट पार्ट. सेकेंड पार्ट विल बी 300 में से आपको 6 माइनस करना पड़ेगा, तो ये कितना आ जाएगा 294.
ठीक है 294 बड़े इजी तरीके से मैं आपको बता रहा हूँ, 147 है तो आप इसको ऐसे 2 से मल्टीप्लाई मत करा करो, या तो आप इसको ये करो कि 150 माइनस 3 है ये, तो इसका डबल कर दो, उसमें से इसका डबल घटा दो, तो 150 का डबल कितना होता है 300, 3 का डबल 6, इसको माइनस कर दो तो 294 आंसर है। आप जल्दी करा करो ना, हमको जल्दी करना है, अपने पास टाइम थोड़ी है। ठीक है, अब आपके सामने ये फाइनल चीजें आ गई, अब आप वो ऑपरेशन कर सकते हो, जैसे 100 यहाँ है तो 100 में कितने 2 जीरो है, 100 में कितने हैं 2 जीरो है, तो 100 में आपके कितने हैं 2 जीरो है, तो आपको कितने जीरो चाहिए थे, यहाँ पे आपको चाहिए थे 2 डिजिट चाहिए थे, और ये क्योंकि नेगेटिव साइन है तो एक तो आप यूनिट यहां से माइनस करोगे और ये एक्स्ट्रा डिजिट जो है इसको भी माइनस करोगे, तो 294 में से आप 4 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 290। ठीक है, तो ये मिडिल टर्म हो गया 290, यहाँ पे क्या बचेगा माइनस 43, जिसको आप ओरिजिनल बेस में से माइनस करके लिखोगे तो ये पार्ट हो जाएगा 57। अब ये 290 में भी आपको दो डिजिट चाहिए, तो ये जो एक्स्ट्रा 2 है इसको आप आगे कैरी ओवर कर दोगे, तो ये आपका मैं यहाँ कर देता हूँ, आपका लेफ्ट पार्ट हो जाएगा 718, बीच वाला पार्ट हो जाएगा 90 और ये हो जाएगा 57। ओके, तो ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, ये क्वेश्चन मैंने आपको करा दिया, बाकी 3 क्वेश्चंस आपको खुद से सॉल्व करने हैं, और अगर कोई डाउट आता है तो आप मेरे से पूछ सकते हो, कोई इशू नहीं है, मैं 24/7 आपके लिए अवेलेबल हूँ, आप यहाँ मुझसे ये चीज डिस्कस कर सकते हैं। ओके। So students, thanks for watching this video. If you like our course, then like this video, subscribe my channel and hit the bell icon so that you can get notification of my upcoming videos. Okay, thank you so much.